प्रदेश सरकार ने सीमित वित्तीय संस्थानों के बावजूद प्रदेश तथा किसान समुदाय का चहुंमुखी एवं समान विकास सुनिश्चित बनाने के लिए राज्य में अनेक नई योजनाओं को प्रस्तावित किया है। जयराम ठाकुर ने जाइका के तहत जापान सरकार से इस परियोजना के 1009 करोड़ रुपए के वित्तीय चरण पर विचार करने का आग्रह किया है। ये परियोजना भारत सरकार के माध्यम से जीका को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में कृषि विभाग द्वारा सफल विधिता के अवसर पर चुनौतियां विषय पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कही। इस दौरान कृषि मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडे भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जहां किसान इन मशीनों को किराए पर ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये सभी प्रोत्साहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 तक किसानों की खेती से आय को दुगना करने के लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। जापान अंतर्राष्ट्रीय समन्वय एजेंसी द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से इस 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जापान की कृषि क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों के तत्वाधान में ये कार्यशाला आयोजित की गई। जाइका भारत में पिछले 10 सालों से अलग अलग सेक्टर में काम कर रही है। इस कार्यशाला के माध्यम से रोजगार सृजित करना है, एक दूसरे देश को आपस में जोड़ना है। इसके अलावा कृषि के माध्यम से प्रदेश के लोगों की व्यक्तिगत आय को दुगना करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान और भारत के बीच गहरा रिश्ता है और दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जापान के लोगों की तरह ही जुनून से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने बजट में कृषि के लिए प्रावधान किया है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में काम करने की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए बदलती जलवायु के साथ साथ काम के तरीकों को भी बदलने की जरूरत है, इसके लिए सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2022 तक प्रति व्यक्ति आय डबल हो, इसके लिए कृषि की पैदावार को बढ़ाना होगा, तब जाकर हम सब लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि खेती बाड़ी में किसानों को सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है, किसान की हर छोटी बड़ी बात को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि आज के युवा प्लस टू करने के बाद एकदम नौकरी की तलाश करने पहुंचते हैं और नेताओं के पास जाते हैं। इस चीज से बचने के लिए युवाओं को कृषि की तरफ बढ़ाने और रोजगार सृजित करने की तरफ सरकार काम कर रही है, ताकि युवा बाहरी राज्यों की तरफ ना भागे। धर्मशाला में मिड डे हिमालयन प्रोजेक्ट के हेड ऑफिसर के कार्यालय को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक सरकार को बने 4 महीने हुए हैं और सरकार सभी चीजों को लेकर गंभीर है और समय के अनुसार सभी कार्य किए जाएंगे। मैं सर मिड हिमालयन का एक सेकंड फेज का प्रोजेक्ट था, आपके मुख्यमंत्री बनने के साथ ही आपने अनाउंसमेंट की थी कि हेडक्वार्टर धर्मशाला बनेगा, पर अभी तक वो कोई कुछ नहीं हुआ। जल्दी में मत रहिए, अभी हमने कहा 4 महीने हुए हैं और 4 महीने में आप बहुत सारी चीजें चाह रहे हैं, ऐसा मत करिए। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि जो बातें कही है उनको हम एग्जामिन करते हैं, किस तरह से हो सकती चीजें करें। सर धर्मशाला सचिवालय की हालत काफी दयनीय है वहां पे। देखिए आज का इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक इश्यू, देखो आप बहुत चीजों को डेविट करते हैं, आज का बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम जायका के इस वर्कशॉप में आए हैं, जो वर्कशॉप पूरे देश भर में पहली बार हुई, उसका इम्पोर्टेंस आपको नहीं। 1000 करोड़ रुपए की हम जायका में जो है जापान से सहयोग के लिए जो है एक प्रोजेक्ट भेजा है और उसकी स्वीकृति के लिए और उसके साथ उसमें आने वाले समय में हमने किस प्रकार करना है, हमारे लिए महत्वपूर्ण वो है। अगर उससे उसके संदर्भ में सारा भी बहुत महत्वपूर्ण है, दूसरी राजधानी है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई भी मंत्री यहाँ पे नहीं बैठा है, जो सचिवालय है मंत्री यही है, मंत्री यहीं पर है, वो बैठे हैं, खड़े हैं, लेकिन लोग भाषण द्वारा हमें काफी उत्साह यहाँ पर किया और बहुत अच्छी बातें कही। मुझे अच्छा लगा कि वो हमें हेल्प करना चाहते हैं और उनसे निवेदन करना चाहूंगा मैं कि मध्य प्रदेश एक गरीब राज्य है, हमारे सरकार को बने मात्र 5 महीने समर महीने बना है। आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिए हम चाहते हैं कि 2022 तक हमारा आय बढ़ने के लिए जायका आपका दूसरा चरण भी शुरू करने वाले हैं। मैं चाहूंगा आशीर्वाद हमें निकट भविष्य में बहुत जल्दी मिलेगा ताकि हम हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 12 जिले हैं, जो 7 जिले बचते हैं, सभी जिलों में अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे ताकि हमारा जो आय
जो हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति का आय, जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच हर व्यक्ति का आय बढ़ना चाहिए उस पर आगे बढ़ेंगे। और मैं अंत में ताकि मैं सको मोदी जी से उनके पूरे टीम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप सही बातें हो चुकी है कि आप हमें आउटरेट की हेल्प करना चाहते हैं और मैं चाहूंगा कि आपका सहयोग हमें मिले। दूसरे चरण का जो जायका का प्लान है बहुत जल्द हिमाचल प्रदेश में आएगा। अब हिमाचल प्रदेश के हर कोने में पहुंचेंगे ताकि भारतीय प्रधानमंत्री की सोच हर व्यक्ति का आय दुगुना हो। भारतीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को इकट्ठे जोड़ने की बात की है, हमारे संबंध इकट्ठे करने की बात की है और मैं समझूंगा कि यहां पर आपने जो एक नई पहल शुरू की है हिमाचल प्रदेश के अंदर कि हम यहां पर जो है फिर से एक कुंभ जो है हम शुरू करने चाहते हैं सीता के कुंभ के माध्यम से, आपके माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से आपने हिमाचल प्रदेश जापान को एक नजदीक लाएंगे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे निश्चित तौर पर आप दोनों यहां पर मिल के पत्र के समान साबित होंगे कि जापान और हिमाचल को नजदीक लाए हैं और ये कुंभ भी हम सीता के कुंभ हिमाचल प्रदेश में लाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।